नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुनामी के बारे में। कल यानी कि 10 फरवरी को साउथ पैसिफिक ओशन में एक सुनामी की वार्निंग इशू करी गई थी। एक भूकंप आया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कई देशों ने ये वार्निंग इशू करी थी। यूएसए ने भी इशू करी थी हवाई आइलैंड्स के लिए, लेकिन बाद में इन वार्निंग्स को विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि जो अर्थक्वेक के कारण सुनामी वेव्स जनरेट हुई वो इतनी बड़ी नहीं थी। इसीलिए 11 तारीख यानी आज सुबह इन वार्निंग्स को विड्रॉ कर लिया गया है। केवल कुछ जगहों पर छोटी सी वेव्स आई हैं, लेकिन उनसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो सुनामी वेव आई लेकिन काफी छोटी थी, जिससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सुनामी होती क्या है, किस तरह से ये बनती है और साउथ पैसिफिक एरिया में ये सुनामी का खतरा इतना ज्यादा क्यों रहता है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, जहां आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे एसोसिएटेड है? सुनामी वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग गाइडलाइंस, ग्लोबल कॉपरेशन ऑन साइस्मिक एक्टिविटी। तो देखो, इसमें थोड़ा सा ये मिलता जुलता है, सुनामी या साइस्मिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ये दोनों सही है या फिर गलत है? आपको इसका जवाब मिलेगा लेक्चर के अंत में। कल यानी कि 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए के कई साइस्मिक एक्टिविटी मॉनिटरिंग सेंटर्स ने एक अर्थक्वेक को नापा नियर द लॉयल्टी आइलैंड्स। तो इसका एपिसेंटर था लॉयल्टी आइलैंड्स के पास, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो ये लॉयल्टी आइलैंड्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट ईस्ट में सिचुएटेड है और न्यूजीलैंड से नॉर्थ में। तो यहां पर इसका एपिसेंटर था, तो इसीलिए तुरंत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने और साथ ही साथ यूएसए ने भी सुनामी वार्निंग्स जारी करी, क्योंकि देखो यूएस की भी यहां पर कुछ टेरिटरीज हैं जैसे कि समोआ एटसेट्रा, और ऑस्ट्रेलिया का तट और न्यूजीलैंड का कोस्ट यहां पर इसके दायरे में आता अगर सुनामी बहुत बड़ी होती। और प्लस यहां पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ आइलैंड्स भी हैं, इनमें भी सुनामी वार्निंग जारी करी गई थी। तो ये जो वार्निंग है ये कल शाम को 10 फरवरी को जारी करी गई, लेकिन उसके बाद 11 फरवरी को यानी आज सुबह विड्रॉ कर ली गई थी। तो ये भूकंप समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे नापा गया था। और ये रीजन कौन सा है? पूरा रिंग ऑफ फायर का। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, आगे आपको मैं बताता हूं इसकी डिटेल्स। तो ये इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक अर्थक्वेक था। अब अगर आप ज्योग्राफी के इस तरह के टर्म्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स को अवेल कीजिए। वहां पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ डिटेल में पढ़ाया गया है। सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को कंप्लीटली कवर किया गया है, अप टू मेंस, प्रीलिम्स, मेंस का पूरा एक ही कोर्स है। आपको अलग अलग कोर्स परचेज नहीं करना है। तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप पर या फिर studyiq.com वेबसाइट पर। और इस वक्त इस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप 15 फरवरी तक जो हमारी सेल है ऑनगोइंग उसमें LOVE10 कोड को यूज करते हैं। और इसी सेल में आप मेरे हिस्ट्री और पॉलिटी के कोर्सेज को भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पर अवेल कर सकते हैं। तो यूएसए का भी पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर है, उसने कल वाइड स्प्रेड हैजार्डस सुनामी वेव्स की चेतावनी जारी करी थी। 0.321 मीटर की ऊंचाई की, लगभग 3 फीट की ऊंचाई की वेव्स आ सकती हैं। और ये थ्रेट न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, वानुआतू, फिजी, बेसिकली जो साउथ पैसिफिक वाले ये सारे आइलैंड्स हैं इनमें जारी करी गई थी। हवाई तक और गुआम तक इसका कोई थ्रेट नहीं था। तो ये दो टेरिटरीज जो यूएस की हैं इन पर कोई थ्रेट नहीं था। और मुझे याद है मैंने यूएस टेरिटरीज पर एक वीडियो लाने का आप लोगों को प्रॉमिस किया था, जल्द ही लेकर आऊंगा। तो यूएस टेरिटरी अमेरिकन सामोआ जो है उसके लिए भी कुछ समय के लिए वार्निंग जारी करी गई थी, लेकिन फिर उसे ड्रॉप कर दिया गया। तो ये सुनामी आई थी साउथ पैसिफिक ओशन में और इससे सबसे बड़ा खतरा था ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम विभाग है, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी उसको कहते हैं, उसने अपने लॉर्ड हॉवी आइलैंड के लिए ये वार्निंग जारी करी जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से लगभग 550 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो क्योंकि उसका एपिसेंटर यहां कहीं पर था तो सबसे ज्यादा खतरा इस आइलैंड को था, लॉर्ड हाउई आइलैंड को। तो इसको वार्निंग, इसके लिए वार्निंग जारी करी गई। और तो देखो, चाहे नुकसान हो या ना हो, लेकिन वार्निंग अगर टाइम पर जारी हो जाती है तो हम नुकसान से बच सकते हैं। इस बार वेव्स इतनी बड़ी नहीं थी, डिसिपेट हो गई, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई बड़ी वेव आती है तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। तो अगर 10 मिनट का भी टाइम मिल जाता है इवैक्यूएशन के लिए तो उसमें भी कई जाने बचाई जा सकती है। 10 मिनट बहुत होते हैं, 15 मिनट भी बहुत होते हैं एक सेफ लोकेशन पर पहुंचने के लिए। तो इस तरह के मैप्स के साथ इन्होंने चेतावनी जारी करी थी ऑस्ट्रेलिया के मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस आइलैंड को खतरा था और ये जो ग्रीन वाला जोन है इसको मेनली सेफ बताया गया था, कोई ज्यादा थ्रेट इसे नहीं बताया गया था। न्यूजीलैंड ने भी अपने उत्तरी आइलैंड और ईस्टर्न कोस्ट के लिए वार्निंग्स जारी करी थी, लेकिन यहां भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, फिजी में जरूर 0.3 मीटर्स की वेव देखी गई थी, और ये ठीक है, 0.3 मीटर यानी लगभग 1 फिट की वेव्स हो गई, तो इतना कोई डैमेजिंग ये नहीं था। लेकिन हाँ, सुनामी वार्निंग इन्होंने भी एक बार जारी कर दी थी, फिजी की तरफ से भी जारी हो गई थी, बाद में इन्होंने भी इसे विड्रॉ कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले जारी की थी वार्निंग, लेकिन उसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया। तो ये सारी वो वार्निंग्स थी, नो सुनामी थ्रेट बाद में आज सुबह जारी किया गया था। अब सुनामी शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। तो
तो किनारे पर अगर कोई बहुत बड़ी वेव आती है, लहर आती है जो कई फीट ऊंची हो, उसको जापानीज लोगों ने पहले, आज से कई सदियों पहले, नाम दिया था सुनामी। अब सुनामी के तीन कारण हो सकते हैं। सबसे मेजर कारण होता है एक सबमरीन अर्थक्वेक, यानी कि समुद्र की सतह के नीचे अगर कोई भूकंप आता है तो उसके कारण अर्थक्वेक, उस अर्थक्वेक के कारण सुनामी वेव्स जनरेट हो सकती हैं। दूसरा रीजन एक अंडर वाटर या कोस्टल लैंडस्लाइड भी हो सकती है। कई बार बहुत बड़ा आइस शेल्फ टूटकर भी जब पानी में गिरता है उसके कारण भी सुनामीज आती हैं, लेकिन वो मोस्टली लोकलाइज सुनामीज होती हैं। अलास्का में ऐसी कई सुनामीज आती हैं छोटी छोटी। फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी सुनामी आ सकती है। अब सुनामी जनरेट कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म आपको मैं समझा देता हूं। देखो, जब भी कोई भूकंप आता है समुद्र की सतह के नीचे, मान लो इस जगह पर एपिसेंटर है उस भूकंप का, तो क्या होता है कि यहां से जब इम्पल्सेस जनरेट होती हैं तो वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं और समुद्र की सतह पर एक वेव बनती है जो प्रोपेगेट करेगी, जो आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है कि जहां पर समुद्र बहुत गहरा है वहां पर इसकी वेवलेंथ तो होती है बहुत बड़ी और एम्पलीट्यूड होता है छोटा। इसका क्या मतलब है कि ये इस तरह से जब ट्रैवल करती है तो ये हाइट में ज्यादा नहीं होती है, इसकी हाइट तो होती है केवल 1 या 2 फीट, पानी का कॉलम ऊपर या नीचे मूव होता है जो नॉर्मली जहाजों को तो नजर भी नहीं आएगा। अगर यहां पे कोई जहाज है समुद्र में, गहरे समुद्र में, तो उसे तो नजर भी नहीं आएगा कि कोई सुनामी वेव उसके नीचे से पास हो गई है। लेकिन जैसे जैसे ये वेव किनारे आती जाती है, जब किनारे आती है तब क्या होता है, तब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है। तो जहां पर ये समुद्र में बीच में 1 या 2 फीट का हाइट होता है इसका एम्पलीट्यूड, किनारे आते आते इसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाते हैं और ये अप टू 90 फीट भी पहुंच जाती है। 100 100 फीट की लहरें बन जाती है जब ये किनारे पर आती है। तो बेसिकली जैसे जैसे डेप्थ कम होती जाती है ओशन की और ये समुद्र के किनारे पर पहुंचेगी, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और वेवलेंथ हो जाएगी कम। गहरे समुद्र में क्या होगा, वेवलेंथ होगी ज्यादा, एम्पलीट्यूड होगा कम। तो जब वो किनारे आती है तो इस तरह की बड़ी लहरें होती हैं और जो किनारे पर आने वाली किसी भी वस्तु को अपने चपेट में ले लेंगी और सब कुछ तहस नहस कर सकती हैं। तो ये इसका फंडा होता है। अब सुनामी वेव जो है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, इसीलिए हजारों किलोमीटर दूर आने वाले अर्थक्वेक से भी कई जमीन के एरियाज को, कोस्टल एरियाज को खतरा है, क्योंकि सुनामी वेव्स 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आगे बढ़ सकती हैं। ये इसकी वेव प्रोपेगेशन स्पीड देखी गई है। अब ऐतिहासिक तौर पर बहुत सारी सुनामीज का रिकॉर्ड हमें हिस्ट्री में मिलता है। जो कुछ रीसेंट 200-300 साल के एग्जाम्पल हैं उसमें एक मेन एग्जाम्पल हमें लिस्बन का मिलता है, पोर्चुगल का जो कैपिटल है। 1755 में यहाँ पर एक सुनामी आई थी जिसने पूरे लिस्बन शहर को तबाह कर दिया था, ऑलमोस्ट 1 लाख तक लोग मारे गए थे ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और ये 1755 की पॉपुलेशन के अनुसार है, आज की पॉपुलेशन के अनुसार नहीं है। और वो जो अर्थक्वेक था एस्टिमेटेड है कि 8.5 to 9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था जिसके कारण ये सुनामी आई थी और लिस्बन शहर ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। 1960 में चिली, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उसके पास में एक अर्थक्वेक आया था जिसके कारण काफ़ी बड़ी सुनामी जनरेट हुई थी। वो भी 9.5 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक था और ये काफ़ी खतरनाक अर्थक्वेक था, इससे चिली में भी बहुत नुकसान हुआ था 1960 में। रीसेंट मेमोरी में अगर हम देखें तो 2004 में एक सुनामी आई थी जिसको इंडियन ओशन सुनामी भी कहा जाता है। इसका एपिसेंटर था इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पास में, बांदा अचेह के पास। इससे जो वेव जनरेट हुई थी वो भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंची थी। हालांकि यहाँ पे नुकसान थोड़ा कम हुआ था, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में जो काफ़ी नज़दीक थे, श्रीलंका में भी। तो ज़्यादा बहुत इससे कैजुअल्टीज हुई थी, 2,30,000 लोग इसमें मारे गए थे 2004 में। और अर्थक्वेक उस समय क्या रिक्टर पैमाने का था, 9.1 का, और 30 30 फीट ऊंची लहरें देखी गई थी थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एरियाज में। भारत में भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तमिलनाडु के तट पर। उसके बाद 2011 में जापान में एक सुनामी आई थी जो अगेन एक अर्थक्वेक के कारण थी, 9.0 का अर्थक्वेक था समुद्र के नीचे जिसके कारण जापान के तट पर सुनामी आई। तोहो को सुनामी इसको कहा जाता है। यहाँ पर भी अगेन 30 मीटर्स तक ऊंची वेव्स देखी गई थी। इनफैक्ट इसके तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। और इससे जापान की इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हुआ था, एक न्यूक्लियर रिएक्टर उनका बंद हो गया था, $300 बिलियन का इकोनॉमी को नुकसान हुआ और 16,000 लोग मारे गए थे जापान में। जबकि जापान में इसके लिए वार्निंग्स भी जारी हो गई थी, जापान में बहुत अच्छे सुनामी वार्निंग सिस्टम्स हैं, तो लोगों को वार्निंग मिल गई थी लेकिन समय नहीं मिल पाया, 10 मिनट 15 मिनट मिलने के बावजूद 16,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अगर उतनी भी वार्निंग नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि कितने लाखों लोगों की डेथ हो सकती थी। अब आप देखो यहां पर भी सुनामी इतनी ही घातक थी, लेकिन भारत वाली सुनामी, 2004 वाली जो सुनामी है इंडियन ओशन की, उसमें कितने लोगों की डेथ हुई, क्योंकि इन सभी देशों ने उस वक्त अच्छे सुनामी वार्निंग सिस्टम्स डेवलप नहीं किए हुए थे, जबकि जापान ने कई सालों से सुनामी वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर रखे हैं। तो हमने 2004 के बाद इस ओर कदम बढ़ाए थे। अगर आप जापान वाली सुनामी का
एक मैप देखें जो यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है, तो उसका आप इम्पैक्ट देखो कितना ज़्यादा है। ये उसका एक मैप प्रिपेयर किया गया है, इसको कहते हैं बैथीमेट्रिक मैप, ठीक है। तो ये जो सेंडाई अर्थक्वेक आया था जिससे तोहोको सुनामी आई थी, ये उसके कारण जो समुद्र पे इम्पैक्ट आया पानी पर पैसिफिक ओशन में, उसका एक मैप है। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है? देखो ये जितने भी बड़े बड़े मैं आपको बता रहा हूँ अर्थक्वेक या सुनामी, ये ज़्यादातर सब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में हैं। तो ये एक सरकम पैसिफिक बेल्ट है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी चेन है जो पैसिफिक ओशन को सराउंड करती है। इसमें एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स शुमार हैं। तो ये लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी एक चेन है, और इसमें दुनिया के ज़्यादातर अर्थक्वेक या वॉल्केनोज भी देखे जाते हैं, और सुनामी भी यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ये एक्चुअली प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनमें सबसे मेन है पैसिफिक, जुआन डी फुका, कोकोस, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नास्का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन और फिलिपीन प्लेट्स। इन सभी में ये पैसिफिक प्लेट कहीं ना कहीं कोलाइड हो रही है, और इन्हीं कोलिजन्स के कारण इन एरियाज में अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और सुनामी, इनका खतरा हमेशा बना रहता है। ये मैप में भी आप देख सकते हैं, ये जो प्लेट्स हैं इनकी जो बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज बहुत ही एक्टिव हैं। तो अर्थक्वेक कब होता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं और उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वेक। तो ये सारी प्लेट बाउंड्रीज जो हैं अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। दुनिया के 75% वॉल्केनोज, 450 से भी ज्यादा वॉल्केनोज इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं, और धरती पर आने वाले भूकंप में से 90% अर्थक्वेक्स इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में देखे जाते हैं। अब ये देखो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है। एक प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो जो बड़ी पैसिफिक प्लेट है वो इन छोटी प्लेट्स के साथ जब कोलाइड कर रही है तब ये अर्थक्वेक देखा जाता है। तो इन्हीं फॉल्ट लाइंस के ऊपर ये एनर्जी डिसिपेट होती है। अब आप रिसेंटली अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसी एरिया में बहुत सारे अन्य अर्थक्वेक्स भी आए थे। हर महीने यहाँ कोई ना कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है। जैसे 7 फरवरी को फिलीपींस में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, उसके पहले 7.1 मैग्नीट्यूड का 21 जनवरी को एक और अर्थक्वेक आया था इसी रीजन में। ताल वॉल्केनो इरप्ट हुआ था फिलीपींस में, ये भी जनवरी 2020 की बात है। उसके अलावा 15 जनवरी को इंडोनेशिया में 6.2 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था सुलावेसी आइलैंड के पास। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक महीने में ही कितने सारे भूकंप आ गए हैं। तो ये बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था सेंडाई फ्रेमवर्क से रिलेटेड, तो देखो आंसर होगा उसका बी। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम करता है। ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स ने 2015 में अडॉप्ट किया था एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड इन सेंडाई जापान। तो ये हायोगो फ्रेमवर्क का सक्सेसर एग्रीमेंट है। हायोगो फ्रेमवर्क भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए काम करता था, लेकिन अब सेंडाई फ्रेमवर्क उसकी जगह अडॉप्ट कर लिया गया है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।